अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू वेद। ज़मीन पर गर्म तरीन मुकाम दश्ते लूत है। ईरानी शहर करमान के शमाल मशरिक में वाक़े दश्ते लूत सहरा दुनिया का गर्म तरीन मुकाम है। ये लूत सहरा साउथ ईस्ट ईरान में 51,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान की लंबाई 480 किलोमीटर और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। फारसी ज़ुबान में लूत किसी बे आबो गया बेआबान को कहा जाता है। ये दुनिया का 25वां बड़ा सहरा है जो सतह समंदर से महज 56 मीटर बुलंद है। मगरबी हिस्से में ज़्यादातर खुश्क रेत के टीले हैं। मरकज़ी हिस्सा सबसे बड़ा और हमवार है, जबकि मशरिकी हिस्सा रेत की बुलंद चोटियों की वजह से दुश्वार गुजार तरीन इलाका करार दिया जाता है। यहाँ बहरा ओकियानोस और बहरा अरब से हवाएं नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से यहाँ शदीद तरीन गर्मी होती है। साल 2003 से 2010 तक नासा के एक्वा सैटेलाइट ने दुनिया के मुख्तलिफ मकामात का दर्जा हरारत नोट किया और साल 2005 में सैटेलाइट ने यहाँ का दर्जा हरारत 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाने वाला दर्जा हरारत है। साइंसदानों के मुताबिक ये सहरा करोड़ों साल पहले समंदर का हिस्सा था, जो टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत से ऊपर आ गया, जबकि धीरे धीरे इसका पानी बुखारात बनकर गायब हो गया और अब वहाँ नमक का भरा मैदान ही बाकी रहा है। ये रेगिस्तान इतना गर्म है कि पानी को खुली हवा में रखा जाए तो पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ सालाना बारिश 60 mm से भी कम होती है। इस वक्त रेगिस्तान में कोई भी इंसानी आबादी आबाद नहीं है। इस रेगिस्तान में ख़तरनाक और जहरीले जानवरों को भी देखा गया है, जिसमें सैंड कैट, रुपल फॉक्स, खरगोश और सांप और बिच्छू वगैरह भी पाए जाते हैं।